सर अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मैं दयाशंकर सिंह, अध्यक्ष लखनऊ पेट्रोल डीलर एसोसिएशन, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेट्रोल ट्रेडर्स एसोसिएशन। सर आज जैसे कि पेट्रोल पंप पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है, तो बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप की क्या स्थिति है इस वक्त और क्यों इतनी भीड़ लगी हुई है? इसलिए कि नई सप्लाई कल से बंद है, नई सप्लाई पेट्रोल पंपों को मिल नहीं पा रही है, इसलिए कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे है और ट्रांसपोर्टर हड़ताल की वजह से जो टैंक हमारे यहाँ पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल की सप्लाई देते हैं वो भी उसी हड़ताल से प्रभावित हैं, इस वजह से वो नई सप्लाई लेके नहीं आ रहे हैं, चाहे वो डर बस नहीं ला रहे हैं चाहे वो सम्मिलित हैं उसमें, लेकिन नई सप्लाई हम लोगों के यहाँ जो पेट्रोल पंप डीलर के पास हड़ताल घोषित होने से पहले जितना स्टोर करने का की क्षमता थी वो स्टोर किया हुआ प्रोडक्ट चल रहा है, जिनके हाई सेलर पंप हैं जो अधिक सेल करते हैं उनके यहाँ तो पेट्रोल ख़त्म होने की स्थिति में है, और जो मिनिमम सेल करते हैं वहाँ पे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, वहाँ पे भी पब्लिक जो है ग्राहक वहाँ पे अपनी टैंक फुल कराने के मूड में है, और ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग जो पेट्रोल लेने आ रहे हैं वो टैंक फुल करने की ही डिमांड कर रहे हैं। अभी टंकियों पर पेट्रोल की क्या स्थिति है? अभी तो काफ़ी हद तक टंकी कितने दिनों तक चल जाएगा? अब ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चल पाएगा, बट ये है कि आज शाम या कल दोपहर तक मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल शहर के अंदर मिल पाएगा, इसके बाद अगर कोई व्यवस्था तो नहीं हुई। टैंकर जो लेके आते हैं पेट्रोल के, इनसे बात हुई ड्राइवरों से, ये क्यों नहीं ला रहे हैं, क्या वजह होगी? नहीं, ये भी ड्राइवर की श्रेणी में है, क्योंकि नया नियम लागू हुआ है और नए नियम से ये लोग भी शायद भयभीत हैं कि नए नियम माना जाए कि ये भी हड़ताल में शामिल है। अब ये ऑथेंटिक रूप से इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, बट ये हड़ताल में तो हैं जरूर, क्योंकि ये टैंक लाने ले जाने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी अपनी गाड़ियों को खड़े किए हुए हैं। क्या आप लोगों की बात हुई ट्रांसपोर्टरों से या ड्राइवरों से, ये कब तक हड़ताल करेंगे, या कोई अधिकारियों से बात हुई? नहीं, अब ट्रांसपोर्टर, चूँकि ट्रांसपोर्टर ने टैक्सी को भी बंद कर दिया है, अभी तो लखनऊ में टैक्सियाँ भी कमर्शियल नहीं चल पा रही हैं, इसलिए ये मतलब एक तरह से सामूहिक हो जाता है कि टैंक लारियों को ट्रांसपोर्टर नहीं चलने देंगे। अगर हमारा टैंक भर के वहाँ से निकलता है और किसी तरह की घटना होती है, ट्रांसपोर्टर उसको पंप तक नहीं पहुँचने देगा, तो फिर नुकसान होने का भी खतरा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का प्रोडक्ट भरा हुआ अगर दो चार दिन खड़ा रहेगा तो डीलर को भी नुकसान पहुंचने की उसमें संभावना है। क्या लग रहा है ये कब तक हड़ताल जाएगी? अब ये तो सरकार और ट्रांसपोर्टर के बीच में है कि सरकार अगर कुछ उनको राहत दे देती है और ट्रांसपोर्टर अपनी स्ट्राइक वापस कर लेते हैं तो हम लोग भी सामान्य हो जाएंगे, हमारे यहाँ प्रोडक्ट मिलने लगेगा, हम भी सामान्यता उसको बिक्री करने लगेंगे। अब चूंकि हमारी स्ट्राइक नहीं है इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे, ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक है, लेकिन प्रभावित हम भी हैं इसलिए कि हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहा है, हमें जो पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है रोज़, तो वो पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है।